हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंगर क्या होता है, ये क्यों होता है, हमारा जो एंगर है वो अनकंट्रोल क्यों होता है, और क्या टेक्निक की है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और उनकी कुछ समस्या सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, वैसे तो जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, ये एक प्राकृतिक है, सामान्य भावना है। जैसे कि आप हंसते हैं, रोते हैं, ठीक उसी प्रकार एंगर भी होता है। परंतु कभी कभी जो गुस्सा है, जो आपका एंगर है, वो बहुत ही अनकंट्रोल हो जाता है, तो यह आपकी लाइफ में हर तरह से इफेक्ट करता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, और आपके साथ साथ ये दूसरों की खुशियों पर भी असर डालने लगता है जो कि आपके साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस डेज कॉरपोरेट कल्चर के बढ़ने से लोगों के ऊपर जो वर्क लोड है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इसकी वजह से उन्हें रिलैक्स होने का थोड़ा भी समय नहीं मिलता। आमतौर पर लोग ऑफिस का काम घर में ही करते हैं, जिससे लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, और एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। क्रोध करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, इससे ना केवल आपके रिलेशंस खराब होते हैं बल्कि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। चाहे आपका घर हो या ऑफिस हो, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि क्रोध क्यों आता है और आपको इस क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आप अपने कुछ लोगों को अपने बारे में बहुत ही गलत धारणा होती है। जिन लोगों को ज़्यादा क्रोध आता है, उनके पीछे यही कारण होता है कि वह दूसरों से खुद को बेहतर समझते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाला कम समझदार है। तो वही जब दूसरे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वह तुरंत एंग्री हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि दूसरों को कमतर आंकना। कुछ लोग ये समझते हैं कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार हैं, और कुछ लोग दूसरे व्यक्ति की और उस दूसरे व्यक्ति की क्या सिचुएशंस हैं वो, या उसमें कितनी काबिलियत है, वो अपने आप को हमेशा समझदार समझते हैं और दूसरों को कम आंकते हैं। तो इस वजह से भी एंगर जो है वो बढ़ता है। जो नहीं सुनते दूसरों की बात, अक्सर झगड़े की शुरुआत किसी भी बात को समझ ना पाने के कारण होती है, ध्यान से ना सुनने के कारण होती है। आप बिना सोचे समझे अपना पक्ष रख देते हैं, जबकि यह आमतौर पर सही नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी बात के सभी पक्ष जो होते हैं वे शामिल नहीं होते, और आप गुस्से में गलत कदम उठा बैठते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। तो आइए फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या उपाय हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप करके अपने एंगर पर कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी बात को पूरे ध्यान से सुनने के बाद ही कोई पक्ष रखें, कुछ बोलें। दूसरा, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी सामने वाला आपको भी रिस्पेक्ट करेगा, उससे आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। काम की अधिकता, दीज डेज वर्कलोड जो है आपका बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है, तो वो लोग रिलैक्स नहीं कर पाते, इसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और एंगर आता है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब ये कि
वह रियलाइज नहीं करते इस चीज को कि उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं है। क्या आप फ्रेंड्स, एक मूवी है एंग्री बर्ड्स, क्या आपने एंग्री बर्ड्स मूवी देखी है? वैसे तो यह बच्चों की मूवी है, किड्स की है, लेकिन इसमें हम बड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख दी गई है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही गुस्से वाला होता है, और इसी कारण वह बर्ड्स की बस्ती को छोड़कर दूर समुद्र के किनारे घर बनाकर रहता है। उसे निकाल दिया जाता है वहाँ से क्योंकि वह बहुत ही गुस्से वाला होता है इसलिए। पर वह जब अकेला रहता है तो वह उस गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वह उस बस्ती के बर्ड्स के बीच में हीरो बन जाता है। मूवी में यह सीख दी गई है कि गुस्सा किसी बात का हल नहीं होता। फ्रेंड्स, समटाइम जिस व्यक्ति से हम गुस्सा होते हैं उसे कुछ बोल नहीं पाते और हम उस गुस्से को पीते रहते हैं, परंतु एक टाइम ऐसा आता है जब गुस्सा अचानक फूट पड़ता है, या तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हम शिकार हो जाते हैं, या कुछ लोगों को हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी तो हम यदि उस इंसान के क्लोज होते हैं तो साफ साफ ये बता देते हैं कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई है, और ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि डिस्कशन इज द ऑलवेज बेटर देन द आर्ग्यूमेंट्स। बजाय आप आर्ग्यूमेंट्स करें, उससे बेटर ये है कि आप डिस्कशन कीजिए। जिस भी व्यक्ति के साथ आपको गुस्सा है आप उसको बता सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि समटाइम हम जो बोलते हैं सामने वाले को उस बात का रियलाइज़ नहीं होता कि उसे आपको ये बात बुरी लग गई है। तो यदि आप बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है वह आपसे सॉरी मांगेगा ही। परंतु कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब हम उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते या बात करना नहीं चाहते उस वक्त। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिनको अपनाकर आप एक अपने एंगर पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक ये है कि आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और उस पेपर पर आप उस इंसान के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आपकी नाराज़गी है, आप उस पेपर पर लिखें। यदि आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, ईमेल टाइप में लिख रहे हैं, तो पेपर पे यदि आप लिख रहे हैं तो उसको 3 बार जोर जोर से पढ़िए अलोन, और पढ़ने के बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए। और यदि आप ईमेल लिख रहे हैं तो उसे 3 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद उसे डिलीट कर दीजिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी बातों को किसी के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, दूसरी टेक्निक है, जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, ठीक उसी प्रकार आपको एक साइड प्रॉफिट लिखिए, एक साइड लॉस लिखिए, और फिर आप देखिए कि आपको गुस्सा करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है गुस्सा करने से, कितना लाभ हो रहा है। फ्रेंड्स, तीसरी टेक्निक जो भगवान ने हमें बिल्कुल फ्री दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड फॉर एंगर मैनेजमेंट। आप इससे रिलैक्स होंगे, आप में आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं वह कम आएंगे, वो कंट्रोल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सी, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो करके आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी ऐसी है कि एक हिंदू सन्यासी थे, वो अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर गुस्सा होते और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी ये सब देख रहा था, उसने तुरंत पलटा वह और उसने अपने शिष्यों से पूछा, मुझे बताइए कि क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे, फिर एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति यानी पीस खो देते हैं, इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप धीमी आवाज से भी कह सकते हैं, सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर का प्रयास किया पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। तब सन्यासी ने समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस सिचुएशन में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच उतनी ही अधिक अधिक दूरी बनती जाएगी और वो उतना ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। पर क्या होता है जब लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं है बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल जो होते हैं वो करीब होते हैं, उनके बीच जो दूरी होती है वो नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा और जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं है, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। तब सन्यासी ने अपने शिष्यों को बोला, प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान रखो कि तुम्हारे जो हृदय हैं वो आपस में दूर ना होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े और ऐसा समय आए कि दूरी इतनी बढ़ जाए कि तुम्हें लौटने का रास्ता नहीं मिले। तो इसीलिए बात करो पर चिल्लाओ मत। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में बहुत बड़ी सीख है यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद। कीप स्माइल, स्टे फिट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।